नौकरी देने के नाम पर पैसे मांगने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार ये गंभीर आरोप फतेहाबाद के डिप्टी सीएमओ पर लगे हैं। नौकरी के बदले पैसे मांगने का कथित ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ठेके पर नौकरी पर रखने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत दी है। चार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहती रहे, मगर सरकारी बाबू की जेब है कि बिना रिश्वत के कर नहीं होती। फतेहाबाद में भ्रष्टाचार का कथित मामला सामने आया है। मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। पूरा मामला नागरिक अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। दरअसल ठेका आधार पर नागरिक अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, जिन्हें हटा दिया गया था, उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डिप्टी सीएमओ ने उन्हें नौकरी पर रखने की एवज में पैसे मांगे हैं। इस संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कोई छोड़ देगी मेरे के खास बात है, 8 लाख में चढ़न लग रही है, अगर लाख में चढ़न लग रही, लाख का तो पेटी तो आई पड़ी है, बटा के उसका लिख के देके जाएगी अगली, तो खुद लिख के देके जाएगी, नहीं करना चाहती तो लिख के देके जाएगी, नहीं अपना भाई 1,20,000 ले जाओ, इतनी बात है। अब इस मामले में इन हटाए गए कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय को शिकायत देने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी डॉक्टर की शिकायत भेजी है, जिसमें ऑडियो की सीडी भी दी गई है। ऑडियो में वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो रही है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे लगना है तो आपको 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें से 60,000 तो हमें आगे ही देने पड़ते हैं। तो उसकी जो ऑडियो हमें मिली वो, और जो अपना मैटर था वो हमने आज सीएम को और स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा है कि अब ये सबूत होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कार्रवाई के लिए उम्मीद में हमने ये आज सीएम साहब को और स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने का दावा करने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार यहाँ कितना कड़ा रुख अपनाती है। बता दें कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व सीएमओ कार्यालय से 1,50,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी। रमेश भट्ट, टोटल न्यूज़, फतेहाबाद।